शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केंद्र योजना के तहत इस वर्ष 10 विद्यालय खोले जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। भारद्वाज ने धर्मशाला में मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। इस दौरान खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर विशेष तौर पर उनके साथ मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने और उन्हें गुणात्मक शिक्षा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश शिक्षा बोर्ड के सभी स्कूलों में अब NCERT की किताबों से ही पढ़ाई होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश बोर्ड के स्कूलों में CBSE स्कूलों की तर्ज पर परीक्षा प्रणाली के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने पूरे देश में तय समय सीमा में सबसे पहले परीक्षा परिणाम घोषित करने की उपलब्धि अर्जित की है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चे परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार मेरिट में अव्वल आ रहे हैं। ये खुशी की बात है कि इस बार 12वीं की परीक्षा परिणामों में अलग अलग विषयों में पहले 10 स्थानों पर आने वाले बच्चे सरकारी स्कूलों के हैं। उन्होंने कहा कि 68 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों ने जहां जहां से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की है उस स्कूल का उनको मेंटर नियुक्त करना तय किया गया है और सभी विधायकों से भी आग्रह किया गया है कि वे उन स्कूलों से जुड़े जहां से उन्होंने पढ़ाई की है तथा स्कूल के विकास और शिक्षक के स्तर में सुधार में मदद करें और निगरानी भी सुनिश्चित बनाएं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि गत कुछ वर्षों से प्रदेश में शिक्षण संस्थानों का विस्तार तो हुआ किंतु शिक्षा का स्तर घटा है। उन्होंने कहा कि यदि तय नियमों को सही ढंग से लागू किया जाए तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना संभव है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा के आधार अधिनियम को पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार एक नई योजना अखंड ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती आरंभ करने जा रही है। इसके तहत सरकारी स्कूलों के उन विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने जीवन में बड़ा मुकाम प्राप्त किया है। योजनाओं में स्थानीय लोगों व पंचायतों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़े बच्चे आज प्रदेश और देश में बड़े बड़े ओहदों पर हैं। सरकार का प्रयास है कि ऐसे पूर्व छात्रों को मार्गदर्शक के तौर पर उनके स्कूलों से जोड़ा जाए जिससे स्कूलों के विकास और शिक्षक स्तर में सुधार में उनकी मदद ली जा सकेगी। उन्होंने कहा कि संस्थीय मामलों के मंत्री का प्रभाव भी उनके पास है। उस नाते मुख्यमंत्री ने ये काम उन्हें सौंपा था कि शिमला और धर्मशाला के सचिवालयों में मंत्री बैठें और लोगों की समस्याएं सुने और उनका निपटारा मौके पर करें। उसी संदर्भ में वह आज धर्मशाला सचिवालय में खुद स्वयं बैठकर लोगों की समस्याएं सुनकर पहल की है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला सचिवालय में हर हफ्ते एक मंत्री एक या दो दिन बैठेगा। मेरा है वो देश में क्वालिटी एजुकेशन जो है वो सरकारी स्कूलों में भी उपलब्ध है। शिक्षा का विस्तार हुआ है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन क्वालिटी कई स्थानों पर जो है वो डिटेरियोरेट हुई है जिसके कारण जो है वो हमारे बहुत सारे स्कूलों की एनरोलमेंट भी कम हुई है। प्राइवेट स्कूलों की ओर जो है वो फैल हुआ है बच्चों का, उसको रोका जाए और स्कूलों में अच्छी जो है वो शिक्षा प्रदान की जाए इसके लिए जो है वो व्यापक प्रयत्न किए जा रहे हैं। दो ऐसे कार्यक्रम प्रदेश के बजट में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो घोषित किए हैं। एक तो मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केंद्र है और दूसरे जो है वो अखंड ज्योति स्कूल से निकले मोती कार्यक्रम है जिसमें हम उन स्कूलों से पढ़ने वाले जो हमारे एलुमनाई हैं उनको मेंटर जो है उन स्कूलों का बना करके उन स्कूलों की प्रगति के लिए विकास के लिए जो है वो काम सौंपेंगे, उनसे आग्रह करेंगे। इसमें सबसे पहले हमने 68 विधानसभा क्षेत्रों में जो हमारे 68 विधायक हैं उनको अपना अपना स्कूल जहां से पढ़ाई की है उसके मेंटर के रूप में जो है वो नियुक्त करना जो है वो तय किया है। और दूसरा कार्यक्रम हमारा हम अच्छे स्कूल जिसमें प्री प्राइमरी से लेकर के प्री नर्सरी से लेकर के जो है ऊपर तक की पढ़ाई जो है वो हो, इस प्रकार के विद्यालय जो है वो 68 विधानसभा क्षेत्रों में खुलेंगे जिसमें इस वर्ष हमने 10 जिलों में जो है वो 10 विद्या केंद्र जो है खोलने का निर्णय लिया है जिसके लिए बजट का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। उसकी गाइडलाइंस बन गई है, इसी महीने जो है वो उनको हम कैबिनेट में अप्रूव करा करके जो है वो इसकी पूरी योजना बना करके इन विद्यालयों का